6 आपको दिया हुआ है, प्रेडिक्ट द एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको यहाँ पे दिया हुआ है एल्कोहल CH CH2 OH, और इसकी रिएक्शन जब किससे करवाई जाती है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करवाएं तो किसका फॉर्मेशन होगा, 2 मोल PaCH2OH की रिएक्शन, हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। लेकिन टेम्परेचर का यहाँ पे ध्यान रखना है, टेम्परेचर क्या लेना है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो किसका फॉर्मेशन होगा, PaCH2OCH2PH। ठीक है, इसका फॉर्मेशन होगा। सबसे पहली बार डाइल्यूट H2SO4 तो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, यदि डाइल्यूट H2SO4 हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो इससे इथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आपको दिया हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4। LiLH4 जब हम लोग लेंगे तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन, लेकिन यहाँ पे एल्कोहल किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल से इथर का फॉर्मेशन होगा, तो LiLH4 का यूज भी हम लोग नहीं करेंगे, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यूज नहीं करेंगे KMnO4 का, क्योंकि जब आप एल्कोहल के रिएक्शन के साथ करवाओगे तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जो इसके हायर वाले जो ऑक्साइड्स हैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कीटोन, इनका फॉर्मेशन होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, या फिर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 140 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम 2 मोल PaCH2 एल्कोहल मतलब बेंजाइल एल्कोहल के रिएक्शन करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, ईथर का। इसलिए हम लोगों का जो आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।